नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। जो महिला करती हो ये तीन गंदे काम, तो उससे कोसों दूर भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरे परिवार को नष्ट कर डालती है। लेकिन वो तीन काम ऐसे क्या हैं, ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल अंत तक। मित्रों, देश के महान ज्ञानी और विद्वानों में से एक आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र को लेकर काफी प्रसिद्ध हैं। चाणक्य जी की नीतियों के बल पर ही चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बन पाए थे। आचार्य चाणक्य ने एक नीति शास्त्र की रचना की है, जिसमें उन्होंने समाज के लगभग सभी विषयों को लेकर काफी सारे सुझाव प्रस्तुत किए हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य की सदियों पुरानी नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। नीति ग्रंथ यानी चाणक्य नीति में मनुष्य के जीवन को सफल और सरल बनाने के कई सारे बातों का उल्लेख मिलता है। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में जहां भविष्य को उज्जवल बनाने के समाधान बताए हैं, वहीं जीवन में सफल होने और दुष्ट लोगों से बचने के उपाय भी बताए हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में धन, संपत्ति, पत्नी और दोस्ती समेत सभी विषयों की गहराई से बात की है। आज हम आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के विषय में काफी कुछ कहा है। मसलन उनका स्वभाव, उनकी फितरत, उनकी सोच और वो किस समय किस प्रकार से बर्ताव करती हैं, इन बातों पर खास अध्ययन किया है। चाणक्य अपने नीति ग्रंथ में बताते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने एक भ्रष्ट और बुरे चरित्र वाली महिला के लिए कहा है कि ऐसी महिला कभी भी भरोसे के लायक नहीं होती, वो हमेशा दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है। ऐसे में उसके लिए उसका पति ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि वही उसकी मंशा के बीच में बाधा बनता है। मित्रों, आगे आचार्य चाणक्य ने बताया है, स्त्री की सुंदरता को देखकर उस पर भरोसा बड़ी भूल हो सकती है। बाहरी सुंदरता से ज्यादा जरूरी उसके गुण होने चाहिए। सुंदरता से ज्यादा स्त्री के संस्कार और उसकी शिक्षा को महत्व देना चाहिए। इसके अलावा धर्म कर्म में आस्था कम रखने वाली स्त्री पर कभी भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री में लालच की भावना बहुत खतरनाक होती है। ये न केवल घर की शांति भंग करती है, बल्कि कई बार पूरे परिवार की बर्बादी का कारण भी बनती है। मित्रों, अहंकारी स्त्री से माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों ही नाराज रहती हैं। ऐसे में ना तो वह अपने ज्ञान और बुद्धिमानी का उपयोग कर पाती हैं, साथ ही उनका ऐसा व्यवहार सुख समृद्धि भी खत्म कर देता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।